ये हमारे गांव का घर है। बशरत अली, ये मेरे ससुरे का नाम है। बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना। ये मेरी जिठानी का घर है। यहाँ पे जो गांव में लगते हैं कूलर, ये कूलर लगे हुए हैं। ये घर मेरे ससुराल का है। ये पानी की टाके, मैंने अभी यहाँ पर मैं बैठ के मैंने कपड़े धोए, क्योंकि जिधर भी जाओ ना, जैसा गांव वैसा देश, जैसा देश वैसा भैंस। बस हम यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ। ये बाथरूम वगैरह है यहाँ पर रंग का। यहाँ से चलते हैं। ये मेरे ससुराल का घर है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। अब यहाँ से हम चलेंगे। ये दो बाथरूम बने हुए हैं, एक जिठानी का एक बाथरूम, मोरी अलग है, ये हमारा अलग है। ये मेरे देवर की स्कूटी, क्या कहते हैं ये है, ये भी हमारा पुराना एक घर है। ये ओपन जैसे लिए थे वैसे ही था, यहाँ पे हम लोग नहाया करते थे इसे। अभी भी घर टूट चुका है तो ये बंद पड़ा हुआ है अभी। ये ऐसे यहाँ से आके ये पानी का टाका, ये अभी देख सके, मैंने कपड़े धोए थे यहाँ सुखाने को डाले हैं। ये हमारा छोटा सा आंगन है और ये हमारा पुराना घर है। ये सबसे पुराना, ये सबसे पुराना घर है। ये भाई, ये बंबई वाली भाभी है, ये बहू है। ये सबसे पुराना घर है हमारा। हाँ देखो, अरे वीडियो बना। हाँ आती हूँ आती हूँ आती हूँ आती हूँ। अच्छा बना लिए, काफ़ी पहले छोटा था ना ये। हाँ जब आई तो भी झाड़ वगैरह लग गए थे, बहुत छोटा था यहाँ पर, अभी बहुत अच्छा बना लिए। हाँ हाँ ठीक है, आती आती हूँ। ये है जाम का झाड़, छोटे छोटे लगे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी हमारे तीन चार यहाँ पर है जाम के झाड़। और ये आम का है, देखिए कितना। गांव में सब ऐसे होता है कि अंदर से बना लेते हैं और बाहर में ये छोड़ देते हैं, तो ये ऐसे है। देखिए ये भी जाम का ही झाड़ है। ये हमारा घर है। कैसे ये देखो, कैसा कर रही हो मैनो, की निशानी है ये। ए देखो वो भाग गया है, बिल्ली थी तो भाग गई। ये कितना है, ये बहुत मांगेगा, दूध मांगेगा, बिस्कुट खाएगा, ऐसा लाल बताएगा। अरे ये इनकी औलाद है, ये सारी औलाद। उनको नहीं मारता, उनको वो नहीं करता, उनको खिलाएंगा। ए मिन्नू, मिन्नू क्या नाम है इसका? मिन्नू, मिन्नू ए ए देखो, देखो क्या सो रहा, देखो। हाँ बोलेंगे ना, वहाँ बैठ मर जाती है। क्या है, क्या है उसकी सीट, वो क्या है उसका, ये ये उधर का पलंग। मिन्नू मैं तेरे पलंग। आपने देखा ये हमारा घर बहुत पुराना है, वो जब से लिए वो वैसी है, उसमें कुछ भी तरक्की नहीं हुई। उसके बाद में ये वाला घर हमारा नया बनाया गया है और वो जैसे कि वैसे ही है, पुराने यादें के साथ में जैसी बनी था वैसे ही घर है। तो फिर भी है यहाँ आना और रहना मुझे बहुत पसंद है अपने ससुराल में। तो जब ऐसा लगता है मुझे आना है तो मैं ज़रूर यहाँ आती हूँ। और ये मिन्नू मेरे ससुर ने ही पाला था इसको, और अभी भी ये घर में ही है। इसके भी दो बच्चों के साथ में रह रहा है इधर। बोले जिधर जिधर बोलते ना इंसान, दाना पानी जा रहे थे इंसान वहाँ जाता है, बस जानवरों का भी वही है। तो बस यहाँ पे ऐश कर रहा है और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है यहाँ पर।
ये देखो हाँ, ये मेरी बहू बना रही है चाय। माही ये मेरा ससुराल है, यहाँ पर बहू की बहू चाय बना रही है। मेरे सास हमारी बहन लोग थी वहाँ पर शादी, उनके साथ में गए। वो पहली बात तो हम वहाँ पर सब बुर के बोले भाईजान चलो, बोले आज मतलब पिक्चर देखने जाएंगे। मैं चुपचाप देख रहा, मैं बोला कहाँ जाए, भोपाल लोग पूरा मुसलमान लोग पूरे, अब इन लोग ने भी पूरे बुरके पहन के फिर मैं जाऊँ। बच्चों लोग की क्या पार्टी हो रही है? ये ये क्या, ये आज खाने की दावत हुई हमारी और बहुत मज़ेदार खाना बना है, आप देख ही सकते हैं। टेस्टी खाना है, बहुत टेस्टी। देखिए चिकन, वाह ये है बालूशाही, और जो घर में बनाया गया है इसको कोई खरीदा हुआ नहीं है। ये है कचौरी, आप देख सकते हैं इसको, ये घर में बनाया गया है और काफ़ी मज़ेदार है, और हमने टेस्ट किया है आप देख सकते हैं। और इसके मीठे में है फालूदा आइसक्रीम, आ जाइए ये खाने के लिए। जब हम यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले हमें मिली लस्सी, हमारी बेटी देखो ये देखिए ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती है। ये हमारी बेटी है, हाँ देखो ये देखिए, ये हमारी दुल्हन है, हमारी बेटी है। ये देखिए ये किचन है उनका, ये है बेडरूम, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है बेडरूम, बाथरूम भी अच्छा है। और ये सामने बाथरूम है, आपने कभी देखा है ऐसा बाथरूम जिस बाथरूम में पर्दा लगा हो? क्योंकि ये है इस बेडरूम का बाथरूम, और आपने देखा बाथरूम में कैसे पर्दा लगा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये बाथरूम वगैरह है, और काफ़ी बड़ा है ये बेसिन है। ये फिर से एक बार पान खरे देख लो भाई, पान खरे ऐसा कोई पान खाता है? आप सबको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? बहुत पुराना घर, उसमें से मैंने आपको दिखाया और कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत पुराना घर है ये, इसलिए। और कुछ लोग ब्लॉग में आना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, तो बस फिर भी मैं बता रही हूँ कि मेरा घर कैसा है, और बहुत मुझे अच्छा लगा है यहाँ पर भी आके मैं रहती हूँ। और जो दावत मैंने दिखाई ये मेरी जीठानी की बड़ी बेटी का माशाल्लाह घर था वो, और वहाँ पे हमारी रात की दावत थी जो हम गए थे, और जाते ही इतनी खातिर की, माशाल्लाह इतनी खातिर की, सबसे पहले लस्सी, क्योंकि यहाँ पर भल्लार शाम में बहुत गर्मी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी जो हम नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। तो दावत ही खाई वहाँ पे, थोड़ा सा ब्लॉग बना पाई हूँ, उसके बाद में फिर घर आ गए। मगर खाना माशाल्लाह बहुत मज़ेदार था, और हमारी बेटी घर में ही बनाती, बाहर का कुछ नहीं बनाती, और एक डिश उसको रिपीट नहीं होती है, 30 दिन के 30 खाने अलग अलग बनाती है, और बहुत मज़ेदार बनाती है। और उसे जो भी बनाया था घर में, तो मैं पहले सोची बाज़ार से लाया होगा, मगर नहीं, बालूशाही भी घर में, कचौरी भी घर में, लस्सी भी जो था मलाईदार, वो सारा चीज़ें फालूदा वगैरह जितना भी उन्होंने खाना खिलाया, माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, और काफ़ी इज़्ज़त।
तो बस बेटियाँ जब घर में इस तरह से रहती तो दिल भी खुश होता है। और ससुराल वाले भी ने बहुत बेटी की मेरी तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हर बेटी को बस इसी तरह से कामयाबी बनाए और ऐसी तारीफ़ में रखे और अल्लाह की हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।